हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू खाना चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं आम की रेसिपी लेके आई हूँ, मतलब आम के लड्डू बनेगा, बहुत ही जल्दी बनने वाला ये लड्डू है गाइस। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंगो लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा आम लिया है, और ये आम मान के चलिए 400 ग्राम का है। तो इसे क्या करते हैं, ऊपर का भाग निकाल लेते हैं, इसका छिलका उतार लेते हैं। तो लीजिए, मैंने छिलका उतार लिया है। अब इसके क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसेस करके एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो हाँ, मैंने आम को काट लिया है। अब एक मिक्सी जार लेंगे, मिक्सी जार में आम के पल्पों को डालकर एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। हम इसमें ढक्कन लगा के पीस लेते हैं। तो लीजिए, मैंने आम को पीस लिया है, गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो गया है। इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। मैंने बाउल में निकाल लिया, इसे ढककर साइड में रख देते हैं। वापस से मैं उसी मिक्सी जार लूँगी धुलकर, और इसमें जाएगा 2 कप कोकोनट का बुरादा। आप एक माप बना लीजिए, उसी माप से सारा मेजरमेंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप चीनी लिया है, 2 कप मुझे कोकोनट का बुरादा लिया है, तो 1/2 कप मैंने चीनी लिया है, इस कप से मैंने चीनी लिया है। और जिस कप से मैंने कोकोनट का बुरादा लिया है, इसी कप से हम 1.5 कप दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ 1.5 कप दूध ऐड करके हमें ढक्कन लगा के पीस लेना है। तो मैं ढक्कन लगा के इसे अच्छे से पीस लेती हूँ, और कुछ इस तरह से हो जाता है मावा जैसा, ये देखिए। तो इसे क्या करते हैं, हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ गैस के पास आ गई हूँ, गैस पे चढ़ा दी हूँ एक कढ़ाई, और गैस को कर ले रहे हैं ऑन। और यहाँ हमें हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं रखना है, लो फ्लेम ही रखना है गैस को। तो जितना मेरा नारियल वाला मावा था, तो हम कढ़ाई में निकाल लेते हैं। तो लीजिए, मैंने निकाल लिया है, इसे चला देते हैं अच्छे से। इसमें घी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना है, क्योंकि इसमें दूध गया है, दूध के साथ ये अच्छे से भुन जाएगा। तो जब तक ये पक रहा है, गाढ़ा सा हो रहा है, तो मैं दूसरा काम कर लेते हैं, जो हमारे लड्डू के बीच में जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप मैंने कोकोनट का बुरादा लिया है, और 3 बड़े चम्मच काजू लिया है। यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच चीनी लिया है, तो जिस चम्मच से मैंने चीनी लिया है, उसी चम्मच से 1 चम्मच मैंने बादाम लिया है, और 5 से 6 इलायची, और ये ताजी मलाई है 1 बड़ा चम्मच। तो इन्हें क्या करना है, हमें अभी साइड में रख देते हैं। और मैं यही मिक्सी जार लूँगी जिसमें मैंने कोकोनट का बुरादा पीसा था, तो इसी में हम इसको पीसेंगे थोड़ा दरदरा से। तो यहाँ पर मैंने सारे चीज़ों को मिक्सी जार में डाल लेते हैं। ये गया कोकोनट का बुरादा, काजू जाएगा, चीनी जाएगा, बादाम जाएगा, इलायची वगैरह सब हम अच्छे से पीस लेते हैं। इलायची आप अलग से पीस के तब इसमें ऐड करिएगा, और जब भी आप इसे पीसिएगा तो रुक रुक के पीसिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका अच्छे से एक मावा जैसा हो जाएगा, नहीं तो ये दरदरा सा हो जाता है, तो पीसने में नहीं पीस पाता है जल्दी। आप रुक रुक के पीसेंगे तो बहुत अच्छे से पीस जाएगा। तो कुछ इस तरह से पीस गया है, देखिए बिल्कुल मावा जैसा हो गया है, ये देखिए। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो इसे हम साइड में रखते हैं और गैस की तरफ चलते हैं। तो काफ़ी ये भी सूख गया है और अच्छे से पक गया है, तो इसे हम थोड़ी देर और भूनेंगे, 2 से 3 मिनट और भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, 2 से 3 मिनट और भून लेते हैं इसे, क्योंकि हमें अच्छे से पकाना है इसे। देख रहे हो ना आप, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है गाइस, पूरी किचन महक रहा है। बच्चे बोल रहे हैं मम्मी आज क्या बना रही हो, और वो लोग आगे पीछे घूम ही रहे हैं। तो अब इसमें जाएगा आम वाला पल्प जो मैंने तैयार किया था पेस्ट, तो उसे ऐड कर देते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे भी। अभी आम के साथ भी हमें थोड़ी देर भूनना है, जब तक हम भूनेंगे नहीं तो
तो इसकी स्वाद अच्छे आएगी नहीं। तो अभी देखो कुछ इस तरह से गीला गीला हो गया है, तो हमें तब तक इसे भूनना है जब तक ये पैन छोड़ने ना लगे ये मावा। मावा तो नहीं पड़ा है, फिर भी नारियल वाला मावा तो बन ही गया है मावा जैसा। तो इसे हम ऐसे भूनते रहेंगे, गैस हमारे लो फ्लेम ही है, आप इसे लो फ्लेम पे जितना भूनेंगे उतना ही अच्छा आपका लड्डू बनके तैयार होगा। हाई फ्लेम पे तो हम लोग कर देंगे लेकिन वो सुगंधित, वो स्वाद नहीं आएगा, वो टेस्टर नहीं आएगा, वो स्वाद नहीं आता है लड्डुओं में जो आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से भून ले रही हूँ, यहाँ पक रहा है, मैंने जो वो पेस्ट तैयार किया है ये वाला, तो इसे हम लड्डू बना लेते हैं। तो देख रहे हैं अब कुछ पैन छोड़ने लगा है, बैटर हमारा छोड़ रहा है, अब कढ़ाई में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है और बिल्कुल एक तार में हो जाएगा, एक दूसरे में चिपकने लगेगा, तो समझ लीजिएगा कि आपका ये पेस्ट तैयार है, आपका ये मावा तैयार हो जाएगा। तो अभी हमें कुछ देर और भूनना है, वरना क्या होता है एक चिपचिपीपन हो जाता है लड्डुओं में, अगर हम जल्दी निकाल देंगे तो वो बहुत ढीला सा हो जाए। फिलहाल ये ढीला तो रहता है, ये मुंह में डालो घुल जाने वाले लड्डू बनते हैं। तो हमें थोड़ा सा और इसे भूनना है ताकि हम हाथों से बनाए लड्डू तो आसानी से हमारा लड्डू बन जाए। तो आप देख रहे हो ना, कढ़ाई बिल्कुल मावा छोड़ रहा है। इस जगह अगर आपको घी की ज़रूरत रहेगी तो एक चम्मच घी ऐड कर देना। तो यहाँ पर मैंने लड्डुओं को तैयार कर लिया है, इसे साइड में रख देते हैं क्योंकि ये मैंगो वाले लड्डू में जाएगा, बीचों बीच में रहेगा। तो यहाँ पर मैंने घी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया है, फिर भी मेरा अच्छे से बन गया है, बहुत ही अच्छा। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाता है। अब आप कैसे पता लगाएंगे, आप हाथों में थोड़ा सा इसे लीजिए और गोली जैसा बना लीजिए लड्डू जैसा। तो देख रहे हो बन रहा है और हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, तो कुछ ऐसा हो जाना चाहिए। अब गैस को हमें कर देना है बंद, ऐसे ठंडा होने देंगे। तो कुछ इस तरह से फैला दीजिएगा और ये ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने गैस को ही बंद कर दिया था, मैं दिखा रही हूँ और ठंडा हो चुका है। अब क्या करेंगे, हमें थोड़ा वाला मैंगो वाला जो लड्डू मैंने तैयार किया था, नारियल वाला मावा जो मैंने तैयार किया है, उसे लेंगे पहले। कुछ इस तरह से लेंगे, देख रहे हो हाथ में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। और लोइयों जैसे हम बना लेंगे इसे, बीच में एक गड्ढा सा बना लेंगे, ये जो लड्डू मैंने तैयार किया है उसमें जाएगा। ऐसे चारों तरफ से कुछ इस तरह से करके आप और हल्के हाथों से लड्डू का शेप दे दीजिएगा। तो मेरे बच्चे आगे पीछे हैं, मैंने कहा अभी लड्डू गोपाल को चढ़ाएंगे तभी हम आप लोगों को। तो यहाँ पर मेरी लड्डू भी बन गया है, पास में मेरे गोपाल जी भी बैठे हैं। तो आप लड्डुओं को ऐसे भर के इस तरह से रैप करके और एक गोला लड्डू जैसा आकार देके लड्डू बन जाएगा आपका, बहुत ही अच्छा बनने वाला है और फटाफट बनने वाला है लड्डू बन जाएगा। स्वादिष्ट तो इतना अच्छा आएगा, हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ हमारे आराध्य देवता भी बैठे हैं, इनके बिना तो हमारा कुछ भी काम नहीं हो पाता है। ये रहते हैं तो मेरे मन को एक सुकून सा मिलता है और फटाफट काम भी कर लेते हैं। तो हमारे आराध्य देवता मेरे पास ही हैं। तो यहाँ मैं अपने गोपाल जी को पहले भोग लगा देती हूँ क्योंकि बच्चे आगे पीछे घूम रहे हैं, जूठा न कर दे। तो पहले मैं अपने ठाकुर जी को, आराध्य देवता को खिला देती हूँ, भोग लगा देती हूँ, तभी किसी को देते हैं। तो यहाँ पर हमारी सारी लड्डू बन गई हैं। ये मेरे लड्डू इतने प्यारे हैं ना कि हम बता नहीं सकते, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही लाजवाब लड्डू बन के तैयार हुआ है। अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।